काशफ नता हाँ जी ऐस दुश्मन नु समझा दे जिड्डा वड्डा बादशाह ओड्डा वड्डा हाय। अब वो भाईजान जो है ना ये वाले बल्कि यूं किया करें ना। वेलकम बैक मौला जट साहब, एक बात तो बताइए यार, इतनी महंगाई का दौर है और आपने इतना बड़ा गंडासा रखा हुआ है, इसको तेज कहां पे करते हैं यार? आपके इतने पैसे खर्च होते होंगे इसको तेज करते हुए। जिथे छुरियां चाकू तेज होंदे ने ओथे तेज कराईदा, मुड़ के फिर उन्होंने तीन गाने करके विखाई देने, पैसे नहीं दे दे। काशफ नता हां जी ऐस दुश्मन नु समझा दे के अपनी लत अपने हथी ला के साडे पैरां च सुट दे, जट कोलों बचण दी होर कोई सूरत नहीं। मैं पागल हां के जुत्ती पालिश कराउण लई अपनी लत ही ला दियां। मौला जट, अगर माशे माती में तुम हमारा साथ देते तो आज हमारी हुकूमत होती। किस माती में? महाशय महाती में। ये क्या है? सल्तनत च। अच्छा यार, तेनू एंकर किन्ने बनाया गया? तुम बॉर्डर पार से आए हो, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, हमारे मेहमान हो। ओ कल्ला नहीं आया, नाल भाभी नू लेके आया। तुम्हारे बालों भाभी नहीं लेके आया, नाल साले नू भी लेके आया। नाल सुसर जी भी आए। और तुसी ये वेखो, मौला जट एदा साथ देने लिए तैयार है। मैं समझा इसके बाद कहोगे पुप्पी साथ भी साथ लेके आया। क्यों नहीं साथ दिया तुमने हमारा? पहले भी साथ था, सी की फायदा होया सी यार? और साथ छोड़ के तुम्हें क्या फायदा हुआ? केड़े तेरे चौंका च मुजस्मे लग गए, सिर्फ तेरे ते इल्जाम लग गए, अदालतां च तेरे केस लग गए, और तेरी वजह तो तेरी पार्टी दे कारकुन नुकरे लग गए। कोई गल नहीं, मौला सबर कर लेगा। ओए हो, क्योंकि इंतकाम लाने लग गया। एक मिनट साइड ते हो, ये मेरे बजा ना ते तेरे को ते जाली है ते मेरे को असली हो। तेनू कटन लग गया ते किन्नी तकलीफ। आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, अचानक बाहुबली जो है वो अपनी टोन भूल गए हैं और कोई हिंदी नहीं बोल रहे, सारी पंजाबी बोल दी आपने। पंजाबी भी आउंदी बाहुबली नु? ओए बाहुबली, बाहुबली पार्टी चौंक भटूरे बेचदा रहा 3 महीने, तेनू की पता। जवाब भाई, जब आप स्टेज किया करते थे, वन ऑफ द बेस्ट बल्कि कहना चाहिए कॉमेडी का किंग अमानुल्लाह, द ग्रेट एवर अमानुल्लाह, पहले तो उनके लिए बात करनी होनी चाहिए। ग्रेट अमानुल्लाह खान, आपकी और उनकी जुगलबंदी जो है बहुत मशहूर थी और बड़ी तवील हुआ करती थी। ये बताइए कि लंबी से लंबी जुगलबंदी जो थी आपकी और उनकी, कितने टाइम तक गई, कितने घंटों तक गई? एक घंटे तक गई हुई है। घंटा? एक घंटा। यानी कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, एक दफा वो बोल रहे हैं, एक दफा आप बोल रहे हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड होता था, प्लान होता था या आमद होती थी? बस स्क्रिप्टेड ये हो नहीं सकता था क्योंकि मौला साहब को होती थी आमद। ओके मैं जो था, मैं सारी रात जो है ना ड्रामे के बाद स्क्रिप्ट पे बैठ जाता था। ओके सारी रात फजर की नमाज तक, कि अगर मौला साहब ने ये कहा मैं ये कहूँगा, ये कहा ये कहूँगा, ये कहा, अगर ये कह दिया उसके बाद ये कहूँगा, यानी कि तीन तीन चार चार पाँच बार उनके जवाब सोचता था, लिखता था। ओके वो बीच में दो चार ऐसी करता, फिर मैं कंफ्यूज होता कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था। ऐसे बड़े फनकार थे, क्या लिटरली क्या बात। आपके बड़े प्लस पॉइंट है लाइफ के, जब स्टेज पे आपने काम शुरू किया तो आपने एक तबलीग का काम भी शुरू किया, अपने जूनियर फनकारों को नमाज की तरफ तलकीन की, बहुत सौ की नमाज ठीक कराई। ये जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने आपकी लगाई है और आप बहुत ही जबरदस्त अंदाज से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कोई आसान ड्यूटी नहीं है, बड़ी मुश्किल ड्यूटी है, तो पहले तो इस ड्यूटी पे इनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। आपकी बात को बड़ा करता हूँ, बहुत सारों को नमाज सिखाई, उनकी ठीक भी करवाई और बहुत सारे अदाकारों को कुरान शरीफ भी पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बढ़ा दूं, और बहुत से फनकारों को माशाल्लाह हज की सादत भी करवाई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मैं खुशकिस्मत इंसानों में से हूं कि मेरे वालिदैन ने जो हज किया वो भी इन्हीं की वजह से किया और इन्हीं के साथ किया। सर ये इस काम में कुछ मुश्किलात आई जब आपने स्टेज पे, ये काम करना कोई आसान काम नहीं है, आगे आप हंसा रहे हैं और बैक स्टेज पे जब 15-20 मिनट का वक्फा है तो आप तबलीग का काम कर रहे हैं, बड़ा ही रेयर कॉम्बो था, कुछ मुश्किल पेश आई आपको? शुरू शुरू में हुई थी। ओके एक नई चीज़ शुरू हो जाए तो कहते भी आप रिहर्सल को ख़राब कर रहे हैं, आप ड्रामे की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ने कहा यार ये ज़रूरत तो मेरी भी है। मुझे याद है एक डायरेक्टर थे, नाम तो नहीं सकता, तो वो ना हमें इतना नाराज होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो मस्जिद तक आना शुरू हो गया है वॉच करने के लिए। ऐसे देख के ना चले, मैं देख रहा था उनका कि ऐसे देखे,
तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा तो वुजू कर रहे हैं। अरे वाह। तो मैंने देखा तो हंस ऐसे करके ना हंसना शुरू हो गया, कहता यार तू मैनू भी लै देंगे। मैंने देखा है कि आपसे बहुत से लोग सवाल भी करते थे, कौटू साहब भी बहुत सवाल करते थे। में आया था आप कौटू तो वो जो कौटू साहब आप उससे सवाल करते थे तो क्या जवाब देते थे? वो बबू साहब इसकी बड़ी अच्छी कॉपी करते थे, अल्लाह बख्शे अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन। तो आके कहते थे कि कौटू साहब ने सवाल किया, उस्ताद जी अज मेरे भरा ने मैनु गाल कटी मैनु मारिया गुनाह ते नहीं। वाह वाह वाह। तो कहता उस्ताद जी को कहते थे भाई गुना तो है। आए, आए, आए। तो को कोटू साहब करते अल्लाह मैनु माफ कर दे। सजी अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, मस्ताना साहब, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी और मेरा ख्याल है वो गोल्डन एरा था। नो डाउट। पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ याद ताज़ा कीजिए जब आप इन लोगों के साथ स्टेज पे काम करते थे। और मेरा ख्याल है तीनों के लिए ताली होनी चाहिए और सुहेल अहमद के लिए तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सुहेल अहमद जो है वो वन ऑफ दी वखरे टाइप के फनकार हैं, दी बेस्ट टाइप के नहीं होते, उनका बेस्ट से ऊपर का कोई लेवल हो चुका है। इंसान को हैरान कर देने वाला इंसान। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल यार, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसे आदमी। और जैसे जैसे आप उनके करीब जाएं तो आपको पता लगता है कि माशाल्लाह कितना सबर कत्ता किस्म का उनका चेहरा है। वो तो मैंने उनके बारे में शेर भी कहा हुआ, वो बादशाह बने थे किसी ड्रामे में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं आपकी शान में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं शायर था। कहते हैं मैं कह दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो चंगा तू, जिड्डा वड्डा बादशाह ओडा वड्डा। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब ने भी आपके साथ हज किया जी। ये बताइए कि जब वो शैतान को कंकरियां मार रहे थे उस दीवार पे तो सादी मार रहे थे या साथ उसको भी कोई दो चार झुकते मार रहे थे? बड़ा तेरा इंजदा मुंह है तो बड़ा तेरा उंजदा मुंह है। मैंने देखे वो जो शैतान के साथ शरारत कर रहे थे वो सिर्फ अनवर अली साहब कर रहे थे। अच्छा। और अबू भी साथ थे। हाँ जी। और मेरे वाले साहब अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी भी एक बड़ी मशहूर बात है कि शैतान को कंकरियां मारने से पहले जवाद साहब के पास आए और कहते हैं कि जवाद साहब इन कंकरियां साथी मारनी है कि नाल गाला भी करनी है। और ये लोग बताते हैं, मैं बताता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा तुसी कंकरी मारनी है तुसी बड़े गुस्से ले गए तो कुछ और शावना मारन लग पैना। अब मैं रास्ते में दुआ बता रहा हूँ कि ऐ पढ़ना ऐसा मारनी है, बस जूं ही करीब गए हैं जूती उतार के कहते ओए तू मेरे पिछों क्यों नहीं मारो। और कहते हैं कि मारते वक्त कहते हैं हूं मेरे वाल ना ही ढंग। अनवर अली साहब अभी हम जिंदा हैं। नरगिस हमारे वो भी हमारे साथ थी। नरगिस अच्छा। तो वो कहती हैं जवाहर साहब मैं कंकरियां तोला। मैं कहा क्यों? कहती फिर कदी जो यारी दोस्ती कर। क्या बात है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो 9/11 के बाद हुआ था जहाज में बब्बू साहब के साथ इनका। अच्छा। इन्होंने मुझे सुनाया था, अगर वो सुनाए तो। बब्बू साहब मुझे कहते हैं असि हम बाहर ड्रामा कर रहे थे यूरोप इंग्लैंड। हाँ जी। तो कहते हैं लोकल फ्लाइट हैगी है तो वो जितना तुसी तो मैं दोवें एकदम उठ जाएंगे, लोग डर जाएंगे तो सानू फड़ लेंगे। तो मैं क्या फायदा की होगा? कहते पूरी दुनिया जी वायरल हो गया साड़ियाँ पेमटा बनिया बज। मैम जवाब साहब जहाँ पे हो वहाँ पे जो ना दूसरे मेहमान की बारी जो है वो बहुत कम आती है। नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये बताइए कि गेम जो है वो अक्सर बदल चुकी है, आप सब लोग जो है खान साहब की फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो कॉल आ गई और वो भाईजान ने फिर 25 मई दोहरा दिया तो आपकी तैयारी क्या है, क्या लगता है इस कॉल पे क्या होगा? अब वो भाईजान जो है ना ये वाले बल्कि यूं किया करें ना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा खुदकते भी हैं, इधर तो ज़रा और चीज़ है उधर वो मुख्तलिफ तरीके से है। बात यह है कि वो इसके लिए तैयार हैं कि अब उनका मुकाबला जो है वो अवाम से है, पाकिस्तानी अवाम से है। तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल तैयार है इसके लिए, हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। एक चीफ मिनिस्टर थे हमारे
जनाब उस्मान बुज़दार साहब जिन्होंने 3.5 साल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, किधर हैं वो आजकल? नहीं, उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल ही, वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते, आपके टीवी पे नज़र आते हैं? मैं जो ऐसे आपने भी कहा ना किधर हैं वो, जब वो वज़ीर आला थे ना उससे भी आवाम पूछ रही किधर है। नहीं नहीं नहीं, आपने उनको भी बोलते हुए सुना है? जी बिल्कुल, हम हमारे साथ बहुत ज्यादा हम लोगों के साथ बैठ के बड़ी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, अगर 2 घंटे की मीटिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, आपने में कई मीटिंग उनके साथ अटेंड किए, 2 घंटे की मीटिंग हो रही है और वो चेयर कर रहे हैं मीटिंग को, तो 2 घंटे में कितने सेकंड बोलेंगे वो? नहीं नहीं, वो बहुत बोलते हैं। हमारे डॉक्टर रांझा, ओके, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ना बुज़दार साहब को मिलने गया, मैं क्यों? कहते मैं वेला सा, कहते भी वेला ही। चलो जी, इसमें लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।